नमस्कार। तीसरे चरण में जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होना है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और पीलीभीत सीट जो दूसरा गांधी परिवार है, यानी वो गांधी परिवार जिसको वहां मान्यता नहीं मिली, जो जिसको कहते हैं कि राज परिवार या सत्ता का परिवार, वहां उसे मान्यता नहीं मिली। हालांकि वो भी राज परिवार जैसे ही हैं, सत्ता उनके साथ भी लगातार है, और मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी की बात मैं कर रहा हूँ। तो उनकी सीट पीलीभीत की बात मैंने की थी, और पीलीभीत के बाद अब आंवला की बात करते हैं। आंवला वही लोकसभा सीट है जहां 2009 में जब वरुण गांधी को राजनीति शुरू करनी थी, वो संसद बनते तो इसके लिए मेनका गांधी ने रास्ता तैयार किया और अपनी पीलीभीत सीट, पारंपरिक वाली सीट, वो छोड़ दी थी, और 2009 में वो चली गई थी आंवला और वहां से लड़के जीती थी, चुनाव जीत कर आई थी। तो ये वो आंवला सीट है। लेकिन आंवला सीट का बड़ा इसको कहें तो बड़ी रोचक है ये जानकारी कि अगर आपको कोई ये बताए कि आंवला जब लोकसभा बनी 1962 में यहाँ पहला चुनाव हुआ, यानी 1952 में पहला आम चुनाव, उसके 10 साल बाद पहला लोकसभा चुनाव होता है, यहाँ लोकसभा सीट बनती है, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं 1962 के, तो यहाँ से जो पार्टी जीतती है तो वो कौन सी पार्टी रही होगी, आप अनुमान लगाइए जरा। वो पार्टी थी हिंदू महासभा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति के ऐसे बड़ा दूसरे तरह की राजनीति के अंदर जो राजनीति होती है, और किसी जगह को चूंकि पिछले कुछ समय में जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति बदली है और उसने बहुत से ऐसे समीकरण कर दिए हैं कि हम किसी सीट को उसी संदर्भ से देखते हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं कि आज़ादी के बाद कैसे सीट का चरित्र बदला है, उस पर मतदान करने वालों का चरित्र बदला है, कैसे कैसे लोग सांसद चुने गए हैं, तो बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं और थोड़ी सी राजनीति भी समझ में आती है। उत्तर प्रदेश के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 2019 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इसीलिए शायद हम लोग 2014 समझ नहीं पाए थे कि 2014 में मोदी लहर जो आई थी तो उसमें क्या क्या हुआ था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो होती रही हैं। तो हालांकि 62 में हिंदू महासभा जीती, उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने फिर से उस सीट को भारी अंतर से जीत लिया था और उस सीट पर उसका कब्जा हो गया था, और लगातार उसके बाद कहें तो लोक दल, जनता पार्टी, और फिर आखिरी बार जो कांग्रेस वहां जीती वो वही दौर था जब देश में उसकी ज़बरदस्त सीटें आ गई थी, और एक तरह से कहें कि वो सहानुभूति लहर वाला लोकसभा चुनाव था 1984 का लोकसभा चुनाव। ये वही लोकसभा चुनाव था जहां इलाहाबाद लोकसभा सीट पर हेमवती नंदन बहुड़ा जैसे दिग्गज नेता को कांग्रेस से लड़ने वाले अमिताभ बच्चन ने हरा दिया था। तो ये है, हालांकि उसी सीट से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री हैं। तो ये बड़ा रोचक होता है जो भारतीय राजनीति में जिस तरह से चीज़ें बदलती हैं। तो 1984 आखिरी था, तो कुल मिलाकर कहें कि उसके बाद 1984 के बाद जो चुनाव हुए तो उसी समय से तय हो गया कि अब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का जाना भी लगभग वही था, यानी 1989 जिसको हम मंडल आंदोलन कहते हैं। तो 1989 में इस सीट को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने, 1989 में भी जीता और 1991 में भी जीता। 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी का सांसद यहां से चुना गया आंवला सीट से, और वो जब सांसद चुने गए 1996 में, लेकिन उसके तुरंत बाद यानी जब 2 साल बाद चुनाव हुए 1998 में, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ काबिज हो गई। तो इस सीट का चरित्र थोड़ा सा इसमें समझ में आएगा। अच्छा, ये सीट बरेली जिले में आती है आंवला, यहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, करीब 35% मुस्लिम यहाँ पर हैं, और मुस्लिमों के अलावा अगर हम बात करें कि कौन है जो यहाँ निर्णायक मतदाता है, तो मुस्लिम के अलावा अगर बात करेंगे तो दलित है, क्षत्रिय है, और कश्यप मतदाता भी यहाँ बड़ी निर्णायक संख्या में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कश्यप प्रत्याशी पर दांव लगाया हुआ है, क्योंकि ये सारे समीकरण तो तय होते ही। अच्छा, 2017 की बात करें तो यहाँ जो आंवला लोकसभा के अंदर आती थी 5 लोकसभा सीटें, तो 5ों भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो जो यहाँ जो दावेदारी है भाजपा की वो बड़ी मजबूत है। 2014 की अगर हम बात करें मोदी लहर की बात, तो धर्मेंद्र कश्यप को मत मिले थे 41% से ज़्यादा, 409,907, और उनकी जीत का अंतर था 1,38,000 से ज़्यादा, और दूसरे स्थान पर रहे थे उस वक्त समाजवादी पार्टी के सर्वराज सिंह, उनको मत मिला था 2.75 लाख से भी कम, 2,71,000। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से लड़ी थी 2014 में, और उसको 1,90,000 से ज़्यादा मत मिले थे। अब सपा बसपा दोनों एक साथ हो गए। देखिए, फिर राजनीति समझिए कि जैसे किस तरह से बदलती है, पार्टी, प्रत्याशी, लोग, सपा बसपा एक साथ हैं, और
वैसे तो देखें तो इसका फायदा गठबंधन के प्रत्याशी को होना चाहिए, लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी बदल गया है, सर्वराज सिंह नहीं है, सर्वराज सिंह कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी से लड़के दूसरे नंबर पर थे वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और बसपा के खाते में सीट गई तो बसपा ने भी टिकट दे दिया है रुचि वीरा को। अब रुचि वीरा कौन है? रुचि वीरा भी समाजवादी पार्टी से निष्कासित हैं, वो पहले समाजवादी पार्टी से विधायक रही हैं और अभी निष्कासित हैं, अब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो गठबंधन की प्रत्याशी हैं। तो समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं का कैसे मेलजोल होगा, क्योंकि मैनपुरी में तो स्वागत किया है मुलायम सिंह यादव जी ने और मायावती जी ने, वहाँ जिस तरह से मैनपुरी में स्वागत के बाद अभी एक सभा में कह दिया कि भाई आप लोग जरा बसपा के कार्यकर्ताओं से सीखिए, तो सपा के कार्यकर्ता कितना सीखने के लिए तैयार हैं ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन कुल मिलाकर तीसरे चरण का चुनाव है, यादव बेल्ट की मजबूत सीटों का चुनाव है, तो यहाँ गठबंधन एक तरह से कहें मजबूत है, लेकिन आंवला सीट ऐसी है जो बार बार बदलती रही है प्रत्याशी, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी कई बार मजबूती से जीती है।